यार वो घर में चूहा घुस गया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज संडे और इस वक्त दोपहर के 4:30 हो रहे हैं और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम, असर की नमाज़ हो गई है, नहा भी नहीं है और इफ्तारी का वेट है। इट्स टाइम फॉर अ रन। मैंने लास्ट जब रन की थी अपनी पहली, तो इट वॉज आई डेड अच्छा। हाँ जी, तो लास्ट टाइम आई रन वॉज 5 किलोमीटर्स और ये मैंने कोई 2 साल पहले रन की थी और अब मैंने की उसके बाद। बीच में मैं वॉक करता था, जॉगिंग करता था, लेकिन मैंने फुल स्प्रिंट रन नहीं की थी काफ़ी अर्से से। तो इट वॉज माई फर्स्ट रन। अब चलते हैं घर। हालत टाइट हो गई बॉयज, खाना खाएंगे अब और फिर बस एक बात करनी है वो करेंगे और फिर खाना खाएंगे और फिर एंड। हाँ जी, क्या हाल है? अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि तुमने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, व्हाई डिड यू स्टार्ट ब्लॉगिंग। मेरे पास का कोई आंसर नहीं है। मैंने ब्लॉगिंग सिर्फ इसलिए शुरू करी क्योंकि मुझे पसंद है। मैं इरफान जुनेजो, केसी नेस्टैट, पीटर मैकेनन और मूरो से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और इन चारों का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है और इरफान जुनेजो को देखने के बाद ही मुझे ब्लॉगिंग का शौक चढ़ा था। 2018 में मैंने उसकी पहली वीडियो देखी थी और जब से वो मेरे गुरु हैं और उनसे बड़े गुरु मेरे केसी नेस्टैट हैं क्योंकि उनका कॉन्टेंट तो एंड है, वो इस गेम के टॉप पर है। उसके बाद इरफान जुनेजो है मेरे लिए, आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए इरफान जुनेजो है, उसके ऊपर केसी नेस्टैट है। और एक और जिसको आप नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जो मुझे जानते हैं वो उसको जानते होंगे और जो मुझे नहीं जानते वो नहीं जानते होंगे, उसका नाम है अकबर जमाल खान। ही वॉज द बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर आई एवर नो आफ्टर केसी नेस्टैट, इरफान जुनेजो, पीटर मैकेनन एंड मूरो। उसके बाद इन सब के बाद जो उसका इसका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत बेहतरीन लग रहा था, वो अकबर था। मेरा कज़न है, मेरे ताया का बेटा है और उसने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दी क्योंकि मेरे ख्याल से उसका टाइम मैनेजमेंट का इशू था, पढ़ाई उसकी सफ़र कर रही थी और उसने ब्लॉगिंग शायद पेंडेमिक में शुरू की थी और उसके बाद उसने शायद 5-6 वीडियो बनाने के बाद छोड़ दी और मैं अभी भी कहता हूँ कि वो ब्लॉगिंग फिर से शुरू कर दे लेकिन वो शुरू नहीं कर रहा। तो होपफुली वो जल्दी ब्लॉगिंग शुरू कर देगा। उसका कंटेंट बहुत बेहतरीन था और उसने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ और इसलिए मैं आज ब्लॉगिंग शुरू कर चुका हूँ। बस आज का ये सीन है और अब मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ यहीं पर। इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।